आप देख रहे हैं जेएक्स न्यूज छत्तीसगढ़। रेणु जोगी के घर वापसी की खुशी पर कार्यकर्ता ने किया पौधारोपण। यहां स्पष्ट कर दें कि जनता कांग्रेस जे के नेता रेणु जोगी की शारीरिक अस्वस्थता के चलते दिल्ली स्थित चिकित्सालय में इलाज चल रहा था, जहां अब स्वास्थ्य लाभ होने के बाद उनकी घर वापसी की खुशी पर जनता कांग्रेस जे के कार्यकर्ताओं ने उनकी घर वापसी की खुशी पर प्रसन्नता जाहिर करते हुए क्षेत्र में पौधारोपण कर खुशी जाहिर किया जा रहा है। साथ ही कार्यकर्ताओं ने अपनी लोकप्रिय नेता के दीर्घ आयु होने की कामना कर रहे हैं। इसी के तहत जनता कांग्रेस जे के चांपा पालिका क्षेत्र के वार्ड नंबर 14 के पार्षद संतोष अनंत की अगुवाई में सघन वृक्षारोपण का आयोजन किया गया, जिसमें चांपा पालिका क्षेत्र के विभिन्न स्थानों पर पार्षद सहित क्षेत्रीय कार्यकर्ता मिलकर कई स्थानों पर पौधारोपण किए जाने की जानकारी दी गई। आदरणीय रेणु जोगी जी स्वस्थ होकर हॉस्पिटल से वापस आई हैं और हमारे मुखिया जोगी जी के यादगार के लिए मतलब वृक्षारोपण हम लोग कर रहे हैं। जहांगीर में गार्डन में किए हैं, भीमभा तालाब में किए हैं, मुक्ति धाम में किए हैं, अब बी डी महंत हॉस्पिटल में किए हैं। जी आपका क्या नाम है बताएंगे? मेरा नाम वर्षा सिंह है। मुक्ति धाम या हॉस्पिटल या अन्य जगह पे वृक्ष लगाए और इसके लिए हम रेणु जोगी जी अभी स्वस्थ होकर आई है वेदांता हॉस्पिटल दिल्ली से, तो उसके दीर्घायु उम्र के कामना के लिए आज वृक्ष लगा रहे हैं। साथ साथ हम ये संदेश देना चाहते हैं कि पर्यावरण के दिन हर व्यक्ति को वृक्ष लगाना चाहिए ताकि हमें ऑक्सीजन की कमी ना हो और जो विकराल स्थिति बन रही है वायु प्रदूषण की, इससे निजात मिल सके। जी इसके पहले और कभी वृक्षारोपण किए हैं कहीं? जी जी किए हैं, इससे पहले बाराद्वार में हम लोग वृक्षारोपण किए हैं संगठन के साथ में, और उसके बाद हमारे वार्ड में करते ही रहते हैं। जी क्या नाम है आपको बताएंगे? संतोष अनंत, पार्षद जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ नगर पालिका चांपा। यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर दीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि आपको हर खबर की अपडेट मिलती रहे।